बनारस में ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि ज्ञान वापी मस्जिद में जो वजू खाने का फुहारा है उसे हिंदू पक्ष शूटिंग बता रहा है, और आपको बता दें ये पूरा मामला निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन ऐसे में देश भर में मुस्लिम समुदाय ज्ञान वापी मस्जिद के लिए जो है समर्थन में है, और जिस तरह से शिवलिंग का दावा किया जा रहा है और फुहारे को लेकर उसमें जिस तरह से फुहारा है उसे शिवलिंग बताया जा रहा है, इसके लिए मुस्लिम समाज जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और आज जो है मुमरा के दारुल फला मस्जिद के पास जो है यहाँ पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि ज्ञान वापी मस्जिद में जिस तरह से वाली जो वजू खाने का फुहारा है उसे शिवलिंग बताया जा रहा है। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, और यहाँ पर जो है तमाम मुस्लिम जो है उलमा और मुस्लिम समुदाय इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं मुफ्ती बातचीत साहब, उनसे मुफ्ती बातचीत साहब क्या कहना चाहेंगे आज? अभी हम यहाँ पे कोई की तरफ आया था ना, हाँ इधर मुफ्ती बाती साहब, ये मामला निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई की जा रही है, जिस तरह से हिंदू पक्ष का जो फुहारा है वो जो खाने का उसे शिवलिंग बता रहे हैं, तो इस पर तो अभी अदालत में बहरहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये अदालत के जरिए से जो कानूनी खिलवाड़ और मजाक किया जा रहा है उसके ताल्लुक से हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि हम अदालत के जरिए से दोबारा इस मुल्क में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं होने देंगे। यह ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट रखा गया है, मस्जिदों का तहफ्फुज़ 1998 के वर्शिप प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मस्जिदों की हिफाजत और मस्जिदों का तहफ्फुज़ ये कानूनी हक है, और 1947 के बाद से जिस मस्जिद की जो हालत थी उसमें किसी भी तरह की कोई भी मुदाखलत कानूनन जुर्म है, अदालती जुर्म है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि किसी तरीके से जो अदालत में केस लिया गया है ये केस लेना भी कानूनन गलत है, इसलिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी वायलेशन है और पार्लियामेंट में जो एक्ट बनाया गया था उसके भी खिलाफ वर्जी है। ऐसी सूरत के अंदर लोअर कोर्ट के फैसले को डिस्मिस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं कि हमारी बात हम अदालत तक के और इसी तरीके से पार्लियामेंट तक के गवर्नर तक और उसके ऊपर सदर जमहूरियत तक अपनी बात पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि एक बाबरी मस्जिद के बाद में इस मुल्क में किसी मस्जिद को दोबारा बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। हम किसी भी सूरत पर किसी की तरफ से भी मस्जिद के ऊपर होने वाला कोई भी हमला और किसी भी मस्जिद के खिलाफ उठने वाली आवाज़ की
पूरी ताकत के साथ में, पूरी कुव्वत के साथ में, कानून के दायरे में हम मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं, हम कंडम करते हैं। यूपी सरकार की जिम्मेदारी है कि फौरन अदालत के जरिए से होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाए। अगर उस पर रोक नहीं लगाती है और 1991 का जो एक्ट है उसकी मुखालिफत एक अदालत के जरिए से हो रही है, उस पर रोक नहीं लगाई जाती है, इसका मतलब ये है कि अदालत से भी खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क में कानून से भी खिलवाड़ हो रहा है, मुसलमानों के वजूद के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसे किसी कीमत पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये सिर्फ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की आवाज नहीं है, ये तमाम मुसलमानों की आवाज है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि मस्जिद में किसी भी तरह की कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना ही वजू खाने का मामला होगा और ना ही कोई मामला मस्जिद की एक इंच जगह भी जो पहले से मस्जिद में शामिल थी किसी बुनियाद पर हम छोड़ने को तैयार नहीं है। कोर्ट का सर्वे, कोर्ट की रिपोर्ट सब 1991 एक्ट के खिलाफ है। इसके हम अदालत से मुतालबा करते हैं, हम अदालत का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। इसलिए अदालत अवाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर अपना एतमाद कायम रखे और इसके खिलाफ वर्जी को फौरन रोक लगाए। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नमाजियों पर पाबंदी को रोका है, ऐसे ही सर्वे के अंदर जो वजूखाने को सील किया गया है उस पर भी इसके लगा करके कोर्ट के जेरी अदालत के लोअर कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दे, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज काशी का मसला है, आज गयान वापी का मसला है, कल काशी मथुरा में, और इसी तरीके से श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर एक मस्जिद के खिलाफ केस को अदालत में लिया गया है। ऐसे आए दिन हमारी तारीखी मसाजिद पर, हमारे हिस्टोरिकल पैलेसेस पर, जो इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की निशानी है, मुसलमानों की हुकूमत की निशानी है, मुसलमानों की अदालत की निशानी है, मुसलमानों के एक बेहतरीन हुक्मरानी की निशानी है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान इस मुल्क में हजार साल से है और जब से है अब तक वो अमन इंसाफ पर चलता रहा है। पूरी तारीख के अंदर मुसलमानों के दौरे हुकूमत ने कोई मंदिर को मुनाजिम नहीं किया गया, सब छोटी तारीखें बयान की जाती है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में 300 मसाजिद को जागीरें दी जाती थी, 300 मसाजिद के अखराजात उठाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि मुगल बादशाहों ने मस्जिदें तामीर की है, मंदिरें भी तामीर की है, उनको जागीरें भी दी गई हैं। पूरी तारीखी मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, और हिंदू मौरखीन ने अपनी किताबों में रेफरेंस के साथ में लिखा है। इसलिए आरएसएस का जो एजेंडा है मुल्क में नफरत फैलाने का, बीजेपी का जो एजेंडा है मुल्क में नफरत फैलाने का, और मुसलमानों को पैक फुट पर लाने की जो कोशिशें की जा रही है, और हिंदुस्तान के जो चिन्हमन मसाइल है, रोजगार का मसला है, जीडीपी का मसला है और नौकरियों के मसाइल है, इससे सिर्फ नजर करके लोगों को भूखी हालत पे छोड़ करके हिंदू मुस्लिम पर और मस्जिद और मंदिर पर खड़ा करने जा रहे हैं। हम इसको होने नहीं देंगे। एक भी मस्जिद के अंदर, एक भी मस्जिद के खिलाफ कोई भी आवाज उठेगी उसके खिलाफ पूरी ताकत से हम मैदान में आएंगे। और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने इंचार्ज शॉर्ट नोटिस के ऊपर पूरे मुल्क की सतह पर, पूरे इंडिया लेवल पर हर जिले के अंदर आज प्रोटेस्ट रखा है। हम यहाँ पर अपने प्रोटेस्ट के जरिए से, मीडिया के जरिए, इसी तरीके से डिपार्टमेंट में और तमाम इदारों के जरिए से हम ये पैगाम पहुँचा देना चाहते हैं कि मस्जिद के मामले में मुल्क का मुसलमान मस्जिद के मामले को अपने जान से ज्यादा अजीज रखता है। अपनी कर्तव्य हम कटा सकते हैं, अब किसी मस्जिद को हम शहीद होने नहीं देंगे। हम अपनी मस्जिदों की शहादत अब इस मुल्क में नहीं होगी, हमारी शहादत हमें मंजूर है। लाठियां खाने पर तैयार है, हम जेल जाने को तैयार है, हम हर चीज को तैयार है, लेकिन अब मस्जिदों को, इस्लामी शायर को और इस्लामी तहफ्फुज़ात को जो इस मुल्क में संविधान ने, कानून ने हमें दिया है, उससे हम दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। और नहीं हम इस बात की इजाजत देते हैं कि ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, किसी भी अकलियत के खिलाफ कोई भी अक्सरियत फिरके का कोई भी वायलेशन करता है, कोई भी फसाद फैलाता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान हर मजलूम के साथ है, हमारे नबी का पैगाम है, हमारे
दस्तूर का पैगाम है कि मजलूम के साथ दो और तुम पर जुल्म हो तो उसका दिफा करो। अगर हमारी मस्जिदों पर जुल्म होगा, हमारे ऊपर जुल्म होगा, हमारी पैनों पर जुल्म होगा, हमारी तिजारत पर जुल्म होगा, हम हर दिफा के लिए तमाम उलमा, तमाम मजहबी रहनुमा और तमाम दीगर मजाहब के लोगों को हम लेकर के मैदान में उतरेंगे। मजाहब का तहफ़ होगा, इस्लाम का तहफ़ होगा और हर चीज़ का तहफ़ होगा। बीजेपी की सियासत के मस्जिदों को गिराओ और हुकूमत करो, हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा करो और आरएसएस के एजेंडे को मुल्क में नाफिज करो। ये हम होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, हम आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ते रहेंगे। और आरएसएस का एजेंडा जो मुल्क को डुबा रहा है, मुल्क को हलाक कर रहा है, इंसानियत को इस मुल्क में दम तोड़ रही है, उसके मुकाबले में हम हमा वक्त तैयार खड़े रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, बीजेपी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अमन शांति चाहिए।